जमीनी नेता माने जाते हैं और इस उम्र में भी हम देखते हैं कि वो लगातार बैक टू बैक जमीनी दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, ग्राउंड पर सीधे पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन संदीप गुना की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में और सामने है यादवेंद्र सिंह। इस सीट पर अगर एक राजघराने की बात करें और साथ ही दूसरी तरफ जातीय समीकरण की, दोनों ही बड़े दिलचस्प नजर आते हैं। राजघराने का दबदबा यहां पर रहा सिंधिया राजघराने का, लेकिन 2019 में ये किला उखड़ने का काम हुआ तो फिर पार्टी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदलकर अब वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनावी मैदान में है। कैसे समझे इस सीट को और थोड़ी देर में चुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारी? देखिए, पहले तो मैं अपडेट आपको ये दे दूं कि जो मॉक पोल है वो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट ओके आ गई है, मॉक पोल कम्प्लीटली ठीक रहा है और मेरे पीछे इस पोलिंग बूथ में सारी स्थितियां ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के गुना संसदीय क्षेत्र के तासीर की। तो ये इस संसदीय क्षेत्र की तासीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंधिया राजघराने का इस पर असर नजर आता है और जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें हमेशा सिंधिया राजघराने को जीत ही मिली है। केवल पिछला इलेक्शन ले ले जो 2019 का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन उनको शिकस्त मिली थी और यह पहली दफा था और पूरे देश में अचंभे में डालने वाला यह घटनाक्रम हुआ था। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर पूरे भगवामय होकर चुनाव लड़ रहे हैं और सिंधिया घराने का असर है और इसीलिए सिंधिया की जो तीसरी पीढ़ी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका पूरा परिवार, सिंधिया की पत्नी, उनके बेटे यहाँ पर इलेक्शन में कैंपेन करते हुए नजर आए थे, वो तस्वीरें हमने देखी थी। यहाँ सिंधिया ने जो चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी घराने ने, वो राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत से ही जब से संसदीय क्षेत्र बना तब से ही सिंधिया राजघराने में विजयाराजे सिंधिया ने इस सीट को जीतकर अपने पाले में लिया था और सिंधिया राजघराने का वर्चस्व यहाँ पर बनाया था। इसके बाद माधव सिंधिया यहाँ से इलेक्शन लड़े, उनकी मृत्यु के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आए, उपचुनाव में दो उपचुनाव लड़ा उन्होंने और ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा यह भी होता है जिससे कि इस राजघराने का असर इस सीट पर हम अनुभव कर सकते हैं, वो ये है कि राजमाता सिंधिया एक बार यहाँ पर इलेक्शन लड़ी और नामांकन दाखिल करने भर आई थी, इसके बाद चुनाव प्रचार में यहाँ आई ही नहीं, तो उसके बावजूद राजमाता को यहाँ पर जीत मिली थी। लोगों ने, विरोधी दलों ने बहुत कैंपेन भी चलाया, इसमें राजनीतिक मुद्दा भी बनाया कि राजमाता यहाँ पर नहीं आ रही है, उनका चुनाव प्रचार यहाँ पर नहीं हो रहा है और इस बार वो हारने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राजमाता इसके बावजूद यहाँ पर चुनाव जीती थी। 2019 का ही एक इलेक्शन ऐसा है जब सिंधिया राजघराने को यहाँ से शिकस्त मिली थी, तो इसीलिए इस बार का चुनाव दिलचस्प हो गया है। वैसे गुना संसदीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर टोटल 8 विधानसभाएं हैं, 8 में से 6 पर बीजेपी काबिज है, 2 विधानसभाएं ऐसी है अशोकनगर और बमोरी जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। चूंकि यहां पर पिछला इलेक्शन केपी यादव जीत चुके थे और कहा यह जा रहा था कि सिंधिया घराने का विरोध और यादव समाज का केपी यादव के प्रति आकर्षण की वजह से वो सिंधिया को हराने में कामयाब भी हुए थे, इस बार वही पेच वही दांव कांग्रेस ने चला है और कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले यादवेंद्र राव देशराज सिंह को यहां से मुकाबले में उतारा है और कांग्रेस को उम्मीद है कि वैसा ही चमत्कार एक बार फिर होगा, सिंधिया के खिलाफ में जो माहौल है वो उनके कांग्रेस के पक्ष में आएगा, यादव समाज एकजुट होकर वोट करेगा और जिससे कि सिंधिया को एक बार फिर से यहाँ पर शिकस्त दी जा सकती है। कांग्रेस की मंशा इसी तरह की है और यहाँ के यादव वोट्स को, ओबीसी वोट्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कांग्रेस ने यहाँ पर की है, कैंपेनिंग भी लगभग इसी तरह से हुई है। बड़ा दिलचस्प होगा कि सिंधिया राजघराना अपनी साख को इस गुना संसदीय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बार फिर जमीन पर उतर आया है। पिछली बार जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हवा हवाई प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो जमीन में जुड़कर लोगों से मेल मुलाकात करके और केवल सिंधिया नहीं बल्कि सिंधिया परिवार का हर सदस्य
यहाँ मैदान में उतरकर, जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। परिवार पूरी तरीके से एक्टिव होकर जमीन पर उतरने का काम कर रहा है और हम उसकी तस्वीरें लगातार देख भी रहे हैं, किस तरीके से महाअरिमन सिंधिया हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी हो या फिर खुद सिंधिया हो, बदले हुए तेवर नजर आ रहे हैं, आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है और जमीन पर उतरकर लगातार जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। लेकिन नीलम, भोपाल में 61 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग पिछले लोकसभा चुनाव में हमें दिखाई दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 65% के आसपास ये वोटिंग हुई थी। अब भोपाल वासियों के पास एक मौका है इस रिकॉर्ड को तोड़ने का और 2019 से बेहतर वोटिंग करने का। बिल्कुल आपने सही कहा कि भोपाल लोकसभा सीट में 2019 में सबसे बेहतरीन वोटिंग हुई थी। मैं यहाँ पे ये डाटा थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगी। करीब 74% के आसपास जो है भोपाल लोकसभा सीट में जो है वोटिंग हुई थी और एक ये बड़ा जो है निर्वाचन आयोग के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ा टारगेट है कि 74 से लेकर 75% के आसपास वोटिंग करे। उस दौरान जब पहले और दूसरे चरण में हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान जो है बेहद कम हुआ, इसके लिए लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग जागरूकता अभियान चलाए गए। 1 मई से लेकर के लगातार जो है हर एक पोलिंग बूथ पर चले बूथ अभियान भी चलाया गया ताकि जो शहरी वोटर्स हैं वो जागरूक हो अपने लोकतंत्र के इस अधिकार को लेकर के। इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स को सोशल मीडिया के जरिए जो है इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जागरूक करने की पूरी कोशिश की गई। वहीं आज की अगर हम बात करें तो तमाम अलग अलग संगठन भी जो है जिला शासन के साथ आगे आए हैं। अगर हम बाजारों की बात करें तो न्यू मार्केट से लेकर ओल्ड सिटी के बाजार के व्यापारियों ने तय किया है कि आज जो बाजार है वो थोड़ा लेट खुलेंगे ताकि जो बाजार के व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, वो पहले अपने मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा जो ग्राहक पहुंचेंगे दुकानों में वो दिखाएंगे अपनी वोटिंग इंक तो उन्हें जो है विशेष छूट भी दी जाएगी। पोलिंग बूथ पर भी जो है ये तय किया गया है कि जो भी पहला वोटर्स उसे सम्मानित किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करे। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि लोग जो है घरों से बाहर निकले, क्योंकि देखिए गर्मी का फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा इन दोनों चरणों में। हालांकि शादी सीजन भी था, पर अगर हम आज की बात करते हैं तो इस तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ एक गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो उसे ध्यान में रखते हुए भी पोलिंग बूथ पर जो है पानी की व्यवस्था, चेयर्स की व्यवस्था, इसके अलावा कुछ पोलिंग बूथ पर जो है मठा और छाछ की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों को ये ना लगे कि अगर वो दोपहर के समय मतदान करने पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। तो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अब ये देखना होगा कि भोपाल में जो 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनमें कितने मतदाता बाहर निकलते हैं। हालांकि अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ के मतदाता पहले से भी काफी जागरूक है, ना सिर्फ भोपाल लोकसभा 2019 में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी एक अच्छी खासी वोटिंग जो है भोपाल से दर्ज की गई थी। तो उम्मीद यही की जा रही है और न्यूज स्टेट भी लगातार यही अपील कर रहा है अपने मतदाताओं से कि वो घरों से बाहर निकले। सुबह के समय देखिए अभी मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, लोग जो है जा सकते हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर और क्योंकि बेहद नजदीक बनाए गए हैं मतदान केंद्र इसलिए जो है बड़ी संख्या में हो चुके हैं ताकि लोगों को दूरी का भी एहसास ना हो। और कई पिंक बूथ पर जो है इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि महिलाएं जो है वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और मतदान करें, उनके लिए कई तरह के जो है पहले भी जागरूकता अभियान चलाए गए थे और आज भी कई तरह के जो है चीजों से उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखना होगा कि अब जब थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होती है तो भोपाल के नागरिक कितना जागरूक होकर के अपने जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि आप भाई सुबह सुबह जिस तरीके से नीलम बता रही हैं कि हल्की हल्की सी धूप है और मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है तो आप सुबह सुबह ही जाइए, पहले मतदान करिए, फिर जलपान कीजिए और यही लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक मजबूत लोकतंत्र का संदेश दीजिए। आइए आपको लिए चलते एक बार फिर से गौरव के पास। गौरव, एक बड़ी चुनौती ये रहती है और चुनाव आयोग के सामने कि जब ऑलमोस्ट लोगों के माइंडसेट में क्लियर हो जाता है कि भाई फलाना प्रत्याशी तो यहां से जीत ही रहा है,
तो फिर वो वोटिंग प्रतिशत पर असर दिखता हुआ नजर आता है। हालांकि एक बात अच्छी रही क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टोली इस दिशा में लगातार ग्राउंड पर रही कि भाई कुछ भी सही लेकिन वोट ज्यादा से ज्यादा डले, और हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में खुद मेहनत करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकले। लेकिन इस माइंडसेट से टैकल करने के लिए क्या चीजें नजर आई? देखिए, जब भी अगर वोट प्रतिशत बढ़ाना होता है तो ये बहुत जरूरी एक बेसिक नीड होती है कि उस तरह का माहौल बनाया जाए कि मतदाता जागरूक हो, मतदाता उत्साहित हो कि वो ये सोचे कि हमें इस बार कैसे भी करके वो मतदान केंद्र तक पहुंचना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। पहले जो दो चरण हमने मध्य प्रदेश में देखे थे वहां पे वोट प्रतिशत गिरने के पीछे कारण ये भी था कि मतदाता उत्साहित नहीं हो पाया था क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं बना था, क्योंकि ये शुरू से ही कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव है वो एक तरफा है और इस वजह से बहुत से मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। लेकिन पहले और दूसरे चरण के बाद लगातार राजनीतिक दलों ने भी बैठक दी, न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी इसकी ओर ध्यान दिया और अपने लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, उनसे भी कही ये बात कि वो मतदाताओं के पास पहुंचे और उनसे कहें कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, अगर हम विदिशा लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां पे शिवराज सिंह चौहान का को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को भी मिल रहा है क्योंकि पहले भी वो यहां से सांसद रहे हैं और इसके अलावा ये भी है कि लगातार लोगों के बीच में पहुंचे हैं, यहां पे मेहनत भी उन्होंने बहुत की है और एक तरीके से कहीं ना कहीं उत्साह जगाने की यहां पे कोशिश यहां पे लगातार निर्वाचन आयोग ने भी की है तो उन्होंने भी की है। लेकिन यहां पे अगर विदिशा को समझे तो जहां बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान कैंडिडेट है तो वहीं प्रताप भानु शर्मा जो है वो कांग्रेस से कैंडिडेट है तो उनको लेकर भी एक अलग तरीके का सियासी समीकरण यहां पे बना हुआ है। देखिए, अगर विदिशा लोकसभा सीट को देखें तो यहां का सियासी समीकरण, यहां का जातीय समीकरण इस तरह का है कि यहां पर ब्राह्मण बहुल इलाके इस क्षेत्र को जाना जाता है। अब अगर हम प्रताप भानु को देखें तो वो भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण का एक वर्ग उनकी तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो अनुसूचित जनजाति की एक जनसंख्या भी हमें पाई जाती है, इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी हमें पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि वोटर्स एक तरीके से उत्साहित यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मतदान प्रतिशत गिरने के पीछे आ रही है वो है बदलता हुआ मौसम, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा तेज इन क्षेत्रों में पड़ रही है क्योंकि विदिशा जो है पूरा पठारी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र देखें तो पठारी क्षेत्र है, ऐसे में गर्मी के मौसम में ये इलाका काफी ज्यादा तपता है। फिलहाल अगर हम देखें तो कोशिश तो ये लगातार जारी है कि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे और इसके लिए तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर भी किए गए। ग्वालियर का बढ़ता हुआ भी दिखता है विरोध, क्योंकि ग्वालियर चंबल वो इलाका रहा जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग 50-50 रहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, मालवा निमाड़ समेत कई इलाके तो ऐसे रहे जहां पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन उस मौके पर भी ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों के लिए दोनों आमने सामने और टक्कर मजबूत नजर आई, जिसका नतीजा ये दिखा कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत 24 के लोकसभा चुनाव में झोंक दी। फिलहाल कैसा मौसम वहां पर है और दोनों की राह इस आंकड़े के आधार पर कैसी रहने वाली है? देखिए, आदर्श, अगर हम 2018 के विधान देखें तो ग्वालियर संभल अंचल में कांग्रेस, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें 34 विधानसभा सीटों में थी, कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी जहां भारतीय जनता पार्टी जीत और ग्वालियर की सीट लगभग 55-60 साल बाद जीती। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हुई है। अगर हम लोकसभा, ठीक है विनोद, मैं आपके पास आता हूँ, कुछ ऑडियो इश्यू आ रहा है उसे ठीक करवाते हैं फिर मैं आपके पास आता हूँ। आइए आपको वापस संदीप के पास ले चलते हैं और संदीप से मैं जरा समझना चाहूंगा। संदीप, 2019 के लोकसभा चुनाव जब अपने ही कभी शागिर्द रहे केपी यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में थे, इस बार वो उसी बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं जिसके सामने 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कितना बदला हुआ ये पूरा समीकरण नजर आया और आप ज्योतिरादित्य सिंधिया में इतने सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि अब वो आक्रामक शैली में नजर आते हैं, अब वो जनता के बीच डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, उनके भाषण तीखे हो गए हैं, कांग्रेस पर एक बड़ा प्रहार वो करने लगे हैं।
बिल्कुल बहुत ज्यादा आक्रामक है और जैसा कि कांग्रेस उनकी छवि को लेकर लगातार आक्रामक रहती है और ये आरोप लगाती है कि सिंधिया राजसी परिवार से हैं और जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस छवि को, इस आरोपों को नकारते हुए भी इस बार अपनी कैंपेनिंग में नजर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार पब्लिक के बीच में आए हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, जमीन पर चलकर लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, उनके साथ उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दो दिन पहले तस्वीरें भी आई थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आम पब्लिक के साथ में, आम वोटर्स के साथ में डांस करते हुए भी नजर आए थे, जो आमतौर पर सिंधिया की ऐसी तस्वीरें नहीं आती है, लेकिन उन्होंने अपनी छवि को बदलने के लिए ये इस तरह के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। और वजह भी यही है, पिछली बार ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेल मुलाकात न करके गाड़ियों पर पिछले 2019 के इलेक्शन में जब चुनावी कैंपेन किया था तो अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरे थे, यदा कदा ही उतर पाते थे, तो उस छवि को तोड़ने के लिए जिसकी वजह से उनको हार मिली है वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो जो पासा फेंक रहा है वो सिंधिया राजघराने का है, उन्होंने अपने पूरे परिवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, उनके बेटे चुनावी मैदान में है, अलग अलग कैंपेनिंग भी की उन्होंने, साथ में भी कैंपेनिंग की, भाषण भी दिए और लोगों से मेल मुलाकात किया, यानी एक जो सिंधिया परिवार से जो कनेक्ट करने का काम है वो सिंधिया परिवार के हर सदस्य ने किया है, तो ये इमोशनल एक गेम करने की कोशिश सिंधिया ने की है। दूसरी तरफ एक सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। यादवेंद्र सिंह इसी रणनीति के तहत मैदान में है, हालांकि वो पिछला विधानसभा का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जब एक यादव 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा सकता है तो शायद वो इतिहास फिर दोहराया जा सकता है और यादव परिवार को और ओबीसी वोट्स को, अनुसूचित जाति जनजाति वोट्स को, इन सारे वोट्स को भी इकट्ठा करके सिंधिया के खिलाफ में एक माहौल बनाया जा सकता है। उसे गुना संसदीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर संदीप 70% से ज्यादा ग्रामीण आबादी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रीलॉन्चिंग एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद किया गया, एक अलग तरीके से उन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरा, ये एक पार्टी का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी प्रत्याशी के पीछे? देखिए, वैसे सिंधिया तो ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिल्कुल साख और रसूख को लेकर कोई सवाल पैदा नहीं होता है, उनका एक अलग रुतबा है देश में और केंद्र सरकार में, बीजेपी में। बीजेपी में भी उनकी बातों को, उनकी सलाहों को अनदेखा आसानी से नहीं किया जाता, उनकी सलाहों को भरपूर तवज्जो दी जाती है। इसके बावजूद, राज्यसभा सांसद होने के बावजूद वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये काफी अहम है। यानी वो ये जताना चाहते हैं कि राज्यसभा के जरिए जब उन्होंने संसद में कदम रखा तो वो बैकडोर एंट्री नहीं कर रहे हैं या आसानी से जीतने वाले नहीं है, बल्कि जो सिंधिया परिवार लोगों के बीच जाकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ता था वो उसी शैली में एक बार फिर से आना चाहते हैं और 2019 में जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उन्होंने ठीक करते हुए मैदान में तो आ गए हैं। तो ये एक दिलचस्प बात है कि सिंधिया के भाजपा में होने के बाद में वो उन्होंने अपना रुतबा बदला है, जमीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन लड़कर वो संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक रही आपने बात कही कि पार्टी कितना रोल अदा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि वो नेता को अलग रखती है और अपना वोटिंग का जो काम है, यानी मतदाताओं से, वोटरों से, लोगों से कनेक्ट होने का काम है, ये कैंपेनिंग अलग लगातार चलती रहती है। हाँ। तो संगठन यहाँ पर अपनी अलग तरीके से मुस्तैद है, सिंधिया की टीम और सिंधिया का जो रुआब है वो अपने अलग यहाँ पर काम कर रहा है, तो बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स के जरिए वोटर्स को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी बीजेपी प्लस सिंधिया के समर्थक, ये सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर भी कोशिश ये कर रही है कि सिंधिया के अगेंस्ट में जो माहौल है उस जातीय समीकरण को बनाने का प्रयास है, क्योंकि 2019 में जो परिणाम दिखाई दिया था उसी जातिगत समीकरण को किसी तरीके से भुनाने में कांग्रेस पार्टी वहां पर जुटी हुई है। लेकिन अतुल, राजगढ़ में दिग्गी राजा का जादू हमने देखा है कि चलता हुआ दिखता है, हालांकि 2019 के चुनावी परिणाम ये बताते हैं कि यहां पर राजा साहब की जगह भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर ने फतह हासिल की थी। लेकिन ये समझाइए, राजगढ़ के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर आज लोग वोट डालने पहुंचेंगे?
देखिए कई प्रकार के मुद्दे हैं राजगढ़ में, और खासतौर पर अगर हम देखें तो युवाओं के बीच में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए इस बात को हमें समझना होगा कि राजगढ़ में लंबे समय से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो रहे, जिसकी वजह से राजगढ़ के जो युवा हैं या तो भोपाल की तरफ जा रहे हैं या फिर महाराष्ट्र और अदर्स प्रदेश में जाके रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो युवाओं के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पानी पीने के जो जल होता है उसको भी लेके खासा मुद्दा इस समय बना हुआ है। जनता के बीच में इस बात को लेके कहीं ना कहीं रोष है कि जो पानी है वो स्वच्छ साफ नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए क्योंकि दिग्विजय सिंह का एक लंबे समय से यहाँ पे हस्तक्षेप रहा है, गढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह यहाँ से इससे पहले चुनाव नहीं हारे। देखिए 1984 में दिग्विजय सिंह ने यहाँ से पहला चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो चुनाव जीते भी थे, लेकिन 1989 में दिग्विजय सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा। और दिग्विजय सिंह इस बात को समझ रहे हैं कि जब राजगढ़ की जनता ने एक बार उन्हें नकारा था तो उसके बाद की स्थिति यानी कि एक बार फिर जब चुनावी मैदान में है तो काफी फूक फूक के कदम रखना है, जनता के बीच में पहुंचना है, और जनता के बीच में पहुंच के अपनी बात तो रखना है और महल का क्या दखल है ये भी लोगों को समझाना है। तो कोशिश भी ये की जा रही है। देखिए पूरा राजघराना तमाम जो लोग हैं, दिग्विजय सिंह की पत्नी समेत चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए हमें दिखाई दे रही है। जो राघोगढ़ के विधायक, बताइए सर अतुल, ये महल का कितना दबदबा आज भी दिखता है? हम सियासी समीकरण के हिसाब से देखें और 2023 के हिसाब से देखें तो कुल 8 विधानसभा यहां पे लगती है, जिसमें से अगर हम देखें खासतौर पे तो राघोगढ़ जो विधानसभा जहां पे दिग्विजय सिंह का महल है वो अभी भी दिग्विजय सिंह के कब्जे में, यानी कि वहां से जो उनके पितृ पुत्र हैं प्रियव्रत सिंह वो जीते हुए हैं। इसके अलावा सिसोन जो है विधानसभा वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन देखिए खास बात अगर हम देखें तो चचोड़ा जहां से दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा प्रियव्रत सिंह चुनाव लड़े थे, प्रियव्रत सिंह चुनाव हार गए थे, यानी कि ये तमाम जो नाम मैं ले रहा हूं वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के करीबियों का है, उनके परिवार के बीच में से है। खिलचीपुर से जिस तरीके से प्रियव्रत सिंह लंबे समय से वहां से विधायक थे लेकिन उन्हें 2023 में हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं महल इस बात को समझ रहा है कि अब हवा हवाई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब चुनावी अगर लड़ना है, चुनाव अगर जीतना है तो जनता के दरबार में पहुंचना होगा, और ये कोशिश होते हुए दिख भी रही है। देखिए ना केवल राघोगढ़, दिग्विजय सिंह के समय प्रचार, लेकिन क्योंकि कई सारे मुद्दे भी नजर आते हैं, खासतौर पर रोजगार और पलायन होता हुआ दिखता है और बड़े बड़े शहरों की और युवाओं को रुख करना पड़ता है। इन सब मुद्दों के आधार पर आज जनता क्या वोट डालने पहुंचेगी या फिर कुछ और मुद्दे हावी होते हुए नजर आएंगे? एक बार जल्दी से आपको विनोद के पास ले चलते हैं। विनोद, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जरा एक बार, जो मेरा पहले सवाल था आपसे, 2023 के विधानसभा चुनाव कितना प्रभाव इस लोकसभा चुनाव पर डाल सकते हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं ग्वालियर के? विनोद, चलिए विनोद से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया और नीलम हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। नीलम, राजधानी भोपाल से ही पूरा मध्य प्रदेश ऑपरेट होता है और मैं